जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट में आपको बता दें, कन्हैया कुमार, उमर, खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 7 कश्मीरी छात्रों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इस चार्जशीट में 124 ए, 147 और 149 ये वो धाराएं हैं जो शामिल हो सकती हैं, और इनके तहत अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आपको ये भी बता देते हैं सजा का प्रावधान क्या है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो अधिकतम उम्र कैद की सजा तक हो सकती है। साथ ही सोर्सेस हमारे ये बता रहे हैं कि इस मामले में सबूत के तौर पर घटना के वक्त के कई वीडियो है, काफी सारी फुटेज है जो सीबीआई की सीएफएसएल में जांच के लिए भेजी गई थी। इसके नमूने पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान हैं, मोबाइल फुटेज है, फेसबुक पोस्ट हैं और साथ ही बैनर्स और पोस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। इस मामले में करीब 30 और लोग संदिग्ध पाए गए थे लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। तो सोर्सेस के मुताबिक हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे क्या कुछ इस चार्जशीट में हो सकता है। चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद के खिलाफ सबूत है। चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद सभी आरोपियों के संपर्क में भी था, उसी ने दरअसल सभी को उस दिन आमंत्रित किया था। चार्जशीट में 36 आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ सीधे सबूत नहीं है। चार्जशीट के मुताबिक 7 कश्मीरी छात्रों ने जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी की थी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आज पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट में उमर खालिद, कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत कुछ कश्मीरी छात्रों के नाम शामिल किए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साबरमती ढाबे पे 9 फरवरी 2016 को जो देश विरोधी नारे लगाए थे उस सारी रिकॉर्डिंग जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई थी और उसी फुटेज के आधार पर चार्जशीट तैयार किया गया। इसके अलावा जो फेसबुक पोस्ट किए गए थे और जो वहां पर सिक्योरिटी इंचार्ज थे जेएनयू प्रशासन, इनके जो स्टेटमेंट लिए गए हैं उनको सबूत के तौर पर माना गया है। जिस फुटेज की बात पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे उसे सीएफएसएल ने सही माना और उसी को आधार माना गया है इस चार्जशीट के अंदर। इसके अलावा कुछ छात्र गायब भी हैं, उनके बारे में भी जिक्र है और कुल मिला के आज चार्जशीट दाखिल की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण होगा, 3 साल के बाद ये चार्जशीट दाखिल हो रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हिसाब करने का वक्त आ गया। और मेरे सहयोगी राजू राज, जिनकी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले अभी आप देख रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू, पहले तो हमारे दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए इस चार्जशीट में क्या बड़ी बातें, क्या बड़े आरोप। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये चार्जशीट आफ्टर लंच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जो हमारी जानकारी, जो आला अधिकारियों से हमारी बात हुई उसके मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो उमर खालिद के खिलाफ पुलिस के पास एविडेंस मिले हैं जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे, इसके अलावा कन्हैया कुमार का नाम शामिल किया गया। जो कन्हैया कुमार लगातार शुरुआत से ही बताते रहे थे कि वो नहीं थे, लेकिन कन्हैया कुमार वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रोका नहीं कि अगर ये कश्मीरी छात्रों को वहां पर मकबूल भट्ट और के बरसी पे वहां पर उन्हें बुलाया गया था तो इन्हें रोकना चाहिए था, कश्मीरी छात्रों को बुलाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वहां पर जितने तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो उस साबरमती ढाबे पर जो आयोजन किया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत वो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके बयान है, जेएनयू प्रशासन के बयान है, उन्होंने जेएनयू प्रशासन से परमिशन नहीं लिया और वहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है, सब मैं बता दूं कि जो फुटेज है जो जी न्यूज में कैमरे में कैद हुआ था, वहां पर जी न्यूज का कैमरा मौजूद था, वो जो रिकॉर्डिंग है उसे लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन सीएफएसएल जांच में उस रिकॉर्डिंग को सही माना गया और वो एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। फेसबुक के जो पोस्ट है वो एक महत्वपूर्ण है, जो बैनर्स और पोस्टर बनाए गए थे वो पुलिस के पास एविडेंस के तौर पर है, उसे भी कोर्ट में रखा जाएगा बतौर सबूत। इसके अलावा 36 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे, तो वे इन सारी बातों को चार्जशीट में रखा गया। 100 पन्नों से ज्यादा चार्जशीट है और लंच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम कभी भी यहां पर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अदिति, राजू राज, मुझे याद है 2016 में जी न्यूज ने दिखाया था इस पूरे मामले को, कैसे जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई है, इसे उठाया था और एक बड़ा गैंग था
जो जी न्यूज के खिलाफ भी लाइन अप हो गया था, गैंग अप हो गया था, बार बार अटैक करने की कोशिश की गई थी, फुटेज पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी, हालांकि लैब की तरफ से क्लीन चिट मिली थी और एक बड़ी डिफीट और शिकस्त थी उन लोगों के लिए जो जी न्यूज पर सवाल खड़े कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जी न्यूज की मुहिम का असर है कि आज हम इस मामले में चार्जशीट फाइल होते हुए देखेंगे। निश्चित तौर पर आदित्य, क्योंकि जी न्यूज शुरुआत से ही अपने स्टैंड पे कायम था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और जी न्यूज ने पहले दिन से उस वीडियो को दिखाया और कहा, ये बताया था कि वहां पर देश के सबसे बड़े जो विश्वविद्यालय जेएनयू में वहां पर देश विरोधी नारे लगे थे। लेकिन तमाम तरह के जो कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर तमाम ऐसे बड़े लोग हैं, उन्होंने जी न्यूज के फुटेज पर सवाल किए थे और कहा था कि ये डॉक्टर्ड है, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन जब सीएफएसएल की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो फुटेज जी न्यूज की तरफ से लिया गया था उसमें कहीं से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी, तो ये एक महत्वपूर्ण है। जो फुटेज में जी न्यूज के पास है उसमें साफ तौर पर देश के टुकड़े करेंगे इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे उमर खालिद द्वारा, और वहां पर तमाम जो छात्र थे, कई नेताओं के बच्चे भी वहां पर थे जो उसमें शामिल थे, तो उनका भी नाम इस चार्जशीट में दाखिल है। और कहीं ना कहीं एक एविडेंस के तौर पर पुलिस के पास महत्वपूर्ण एविडेंस था, जिस कैमरे से जिस रिकॉर्ड किया गया था वीडियो, वो एक महत्वपूर्ण विषय है और उसी पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। राजू राज, डी राजा की बेटी को भी आरोपी बनाया गया है, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमने इस मामले में बहुत सियासत भी होते हुए देखी थी, लेफ्ट के नेता पहुंच गए थे जेएनयू, उस समय राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। सियासत के लिए भी आज करारा जवाब है जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी तब। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही वो वीडियो की सत्यता सामने आई लोगों के बीच में और वीडियो सही पाया गया, तमाम जो लोग थे, डी राजा की बेटी अपराजिता भी वहां मौजूद थी और उसका भी नाम, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उसका भी नाम इस चार्जशीट के अंदर। बिल्कुल, मैं यहां पे आपको रोक रही हूं राजू राज, माफी के साथ आपको यहां पर रोक रही हूं क्योंकि प्रमोद शर्मा जुड़ गए, उनके पास इस खबर को लेकर ज्यादा डिटेल्स है। प्रमोद, क्या डिटेल्स है? देखिए, अभी करीब 1 बजे के बाद स्पेशल सेल जो है चार्जशीट फाइल कर देगी, क्योंकि सीएमएम जो विनोद कुमार है वो छुट्टी पे थे, तो लिंक कोर्ट में आज गए थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने हामी भर दी है कि आप 1 बजे के बाद चार्जशीट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट है और इसमें जो सेक्शन 11 है उसमें 10 आरोपी हैं और 3 जिसमें से गिरफ्तार हो चुके थे, और उसके अलावा जो सेक्शन 12 है उसमें कुल 34 आरोपियों का नाम है, जिसमें डी राजा की बेटी अपराजिता और शैला रशीद, इनके भी नाम है। और ये सेक्शन 12 के तहत की स्पेशल सेल इसमें कोर्ट के ऊपर छोड़ देगी कि इनके खिलाफ बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसको देखते हुए करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट आज फाइल हो जाएगी। किस तरीके से जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे थे और जो जी न्यूज की जो फुटेज थी सीएफएसएल ने उसे भी सही ठहराया था कि वहां पर देश विरोधी नारे लगे थे और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी थी, कुछ कश्मीरी के छात्र थे, उनके भी बयान स्पेशल सेल ने लिए थे। तो आज चार्जशीट फाइल होने के बाद जो अदालत है इसे कॉग्निजेंस लेगी और उसके बाद जो सेक्शन 12 में जो 34 आरोपी हैं उनमें से किसके खिलाफ क्या है तो कोर्ट उसे समन कर सकती है। प्रमोद, मेरा सवाल ये भी है, इस मामले को फरवरी 2016 का ये मामला, आज हम ऑलमोस्ट फरवरी 2019 से कुछ ही दिन दूर है, करीब करीब लगा लीजिए 18 या 17 दिन हम दूर हैं, 3 साल का वक्त क्यों लग गया? देखिए, बिल्कुल, जो स्पेशल सेल का ये कहना था क्योंकि इसमें से काफी सारे आरोपी जो है वो कश्मीर के छात्र थे, उनके बयान लेने के लिए और बाकी जो तमाम बयान थे और एक जो हमारी जो उसकी सीएफएसएल की रिपोर्ट आई थी जी न्यूज की फुटेज के आधार पे, उसमें जो वक्त लगा है उसके बाद से चार्जशीट कई बार तैयार की गई थी और उसको अंतिम रूप देने के लिए जब किया था उसमें कई लोगों को हटाया भी गया था, जिसके खिलाफ इसके बाद ये हुआ था कि जो सेक्शन 16 है 12 है जिसके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और पुलिस को लगता है जांच में कि ये इन्वॉल्वमेंट थे तो सेक्शन 12 में डाल के कोर्ट के ऊपर ये छोड़ दिया जाए, कोर्ट को अगर लगेगा एविडेंस देखने के बाद कि किसको बुलाना है, तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 3 साल का वक्त लग गया था। और अब स्पेशल सेल पूरी चार्जशीट जो है आज अदालत में फाइल कर देगी। शुक्रिया प्रमोद शर्मा आपका, राजू राज फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 बजे के बाद कहा जा रहा है इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, 2000 पन्नों की चार्जशीट बताई जा रही है। मेरे सहयोगी से जुड़ा तमाम अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे और ये बड़ी कवरेज, ये बड़ी खबर, इस पर जितने भी डिटेल्स होंगे आगे भी आपको जी न्यूज पर मिलते रहेंगे।